स्टूडेंट्स पोएम द लेक आयल ऑफ इन स्प्री क्वेश्चन आंसर्स चिल्ड्रेन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीडियो ऑफ द पोएम इन अ वेरी ईजी लैंग्वेज एंड आई हैव ऑल्सो अपलोडेड अनादर वीडियो ऑफ बुक एक्सरसाइजेस डू डू वॉच दैम बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम्स ठीक है तो यह क्वेश्चन आंसर जो हमारी बुक में गिवेन है एक्सप्लेन दीजी मीनिंग ऑफ दिज लाइन्स फ्रॉम द पोएम फर्स्ट है फॉर पीस कम्स ड्रॉप स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स इसका मतलब है फीस इज सेट टू फॉल स्लोली फ्राम द मॉर्निंग वेल इन द आईलैंड ऑफ इंसप्री वेयर द क्रिकेट सिंग्स हेयर मॉर्निंग इज बींग कम्पेयर टू अ व्ल पढ़ा बिकॉज वेल मिस बिकॉज लाइक अ वेल मिस ऑब्स्ट्रक्ट विजन ठीक है आगे बढ़ते हैं टू दिस इज मिड नाइट ऑल अ ग्लेमर एंड नून अ पर्पल ग्लो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है इन इंस फ्री द मिड नाइट स्काई शाइन्स विद सॉफ्ट एंड जेंटल लाइट ठीक है एंड जो नून है एंड द नून स्काई सीम्स पर्पल ड्यू टू द ब्राइट शाइनिंग सन ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे पहुंचते हैं Answer these questions. What are the things that the poet wishes to do in tha? The poet wishes to build a small cabin of clay and wattles, grow rows of beans, make a hive for honeybees, and live alone in the glade filled with the साउंड ऑफ़ हनी बीज वो अकेले में जा कर नेचर इन्जॉय करना चाहता था और हनी बीज के लिए बिहाइव बनाना चाहता था रोज ऑफ बीन्स बनाना चाहता था एंड ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय द कंपनी ऑफ नेचर हाउ डज द पोइट इमेजिन लाइफ टू बी इन इंस्प्री उसको क्या लगता है वो क्या इमेजिन करता है इंस्प्री में आज भी लाइफ कैसी होगी द पोइट इमेजिनस अ पीसफुल लाइफ इन इंस्प्री शांति भरी जो उसकी सिटी लाइफ है वो बहुत हबड़ दबड़ भरी है बहुत उसमें बहुत शोर शराबा है बहुत डिस्टर्बेंस है वो इमेजिन करता है कि उसकी विलेज लाइफ बहुत इन इन्स फ्री वाली लाइफ बहुत पीसफुल होगी ही बिलीव्स बिलीव विल प्रोवाइड हिम ऑल द ब्यूटी ऑफ नेचर कि वहाँ पर उसको जाकर सारी नेचर की ब्यूटी देखने को मिलेगी और वहाँ पर उसे सुनने को मिलेगा द साउंड ऑफ फ्लाइंग लैनिट्स अ ग्लेड फुल ऑफ बर्जिंग बीज ब्राइट सन फिलिंग द स्काई विद पर्पल ग्लो क्रिकेट सिंग सिंगिंग एंड लेक व जेंटली स्ट्रैकिंग द शोर तो ये सारी खूबसूरत चीज़ें उसे सिटी लाइफ में नहीं मिलेगी इसीलिए वो उसको क्रेविंग है इंसफ्री अपने होम टाउन जाने की जहाँ पर वो ये सारे खूबसूरत नज़ारे खूबसूरत चीज़ें देखेगा थर्ड वाई डज़ द पोएट वॉन्ट टू गो टू इंसफ्री आखिर पोएट इंसफ्री क्यों जाना चाहता है द पोईट वॉन्टेड टू गो टू इंस्प्री सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है इट्स इन स्प्री टू इन्जॉय अकान शांति भरा एंड पीसफुल और शांति भरी लाइफ इन द कंपनी ऑफ नेचर नेचर के बीच में वो अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट अपनी लाइफ को काम करने वहाँ जाना चाहता है फोर्थ हाउ कैन वी सी द द लीक आयल ऑफ़ इनस््री हैज़ अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द पोएट्स माइंड एंड हार्ट वो कैसे पता चला कि इन फ्री का पोएट के दिल में और दिमाग में बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है सो द आंसर इज दीक आयल ऑफ इंस फ्री हैज़ अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द पोइट्स माइंड एंड हर्ट बिकॉज ही हियर्स द लेक वाटर लैपिंग द शोर इवन वाइल स्टैंडिंग ऑन द रोडवेज एंड पेवमेंट्स इन हिज सिटी सिटी में रहते हुए भी वो वहाँ के बारे में सोच रहा है तो यही तो दिखाता है कि उसके दिल और दिमाग पर अभी भी इंसफ्री का नेचर लव छाया हुआ है ही क्रेव्स टू गो टू हिज होम टाउन एंड लिव एमिस्ट नेचर वो उसको क्रेविंग हो रही है अपने होम टाउन जाने की और वहाँ पर नेचर के बीच रहने की सबको अपने गाँव जाना पसंद होता है अपने विलेज जाना पसंद होता है नेक्स्ट इज कैन वी सी दैट पोइट लिवस इन अ सिटी गिव रीज़न आपको कैसे पता हो सिटी में रहता है दूसरे गाँव में रहता होगा किस रीज़न से आप ये प्रूव करोगे यस वी कैन सी दैट द पोइट लिवस इन अ सिटी बिकॉज ही सेज क्योंकि उसने पोएम में एक जगह कहा है वाइल्ड लाइफ स्टैंड ऑन द रोडवेज और ऑन द पेमेंट ग्रे ये क्या दर्शाता है पेवमेंट ग्रे यानी कि कंक्रीट रोड और कंक्रीट रोड कहाँ पर होती है सिटी में फर्स टू कंक्रीट पार्ट्स ऑफ द सिटी ठीक है सिटी के बीच वो रहता है थिंक कैंड आंसर जो ज़्यादातर आप लोगों को होमवर्क में मिलते हैं और आप मेरे को कमेंट करते हो मैम प्लीज़ मैम प्लीज़ बताइए तो ये थिंक कैंड आंसर मैंने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग लिखे हैं आप आंसर चेंज कर सकते हो फर्स्ट वॉट कैन वी से अबाउट द प्रजेंट स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द पोइट हमें क्या लगता है कि उसकी आज की मैंटल स्टेट कैसी है द प्रजेंट स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द स्पीकर इज ऑफ अ पर्सन उस इंसान की है जो जिसको चाहिए वो वांट सम पीस जिससे शांति एंड क्वाइट और कोई ना बोले वहाँ पर चुप रहें अवे फ्राम द बिजी सिटी लाइफ वहाँ पर सिटी लाइफ से दूर वो कहीं जाना चाहता है ही वॉन्ट्स अ प्लेस फॉर ऑल फॉर हिमसेल्फ उसे अपने लिए एक जगह चाहिए वेयर ही कैन इन्जॉय द ब्यूटिफुल सीन्स एंड साउंड ऑफ नेचर जो वहाँ रह सके और वहाँ पर प्रकृति का इंजॉय का आनंद ले सके और शांतिमय जीवन बिताए इन द पोएम द पोएट इमेजन्स एंड एस्केप्स फ्राम द वियरस ऑफ एवरी डे लाइफ पोएट में पोए इन पोए इस पोएम में पोइट इमेजिन करता है और बचता चाहता है उ, भाग दौड़ भरी जिंदगी से आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से ए वॉट एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ डज ही प्रोबेबली डिसलाइक उसे क्या पसंद नहीं होगा ये मेरा ओपिनियन है आपका ओपिनियन चेंज भी हो सकता है द पोएट प्रोबेबली डिसलाइक्स द क्राउड नॉइज ऑफ डेली लाइफ दैट इज सिम्बोलिक ऑफ अ बिजी सिटी तो उसे भीड़ भाड़ और शोर शराबा पसंद नहीं है जो कि दर्शाता है कि वो एक बिग बिजी सिटी की बात कर रहा है हाउ डज द आयल ऑफ इन फ्री स्पेलिंग फिर से होंगे यहाँ पर प्रजेंट अ कंट्रास टू दैम इंसफ्री का जो जगह है रहना रहने की जो जगह मिलेगी उसको वहाँ पर वो बिल्कुल कंट्रास्ट क्यों है सिटी लाइफ से द लेक आयल ऑफ़ इंस्प्री द आयल ऑफ इंसफ्री इज़ फुल ऑफ साउंड एंड साइट्स ऑफ नेचर पूरी तरह वहाँ पर शांति है नज़ारे हैं द पोइट कैन क्लियरली ही द बीच द क्रिकेट एंड द फ्लाइंग मिनट्स उनको इन सब की आवाज़ें आराम से आती हैं अच्छे से आती हैं एंड कैन वॉच द मॉर्निंग मिस्ड एंड दाइ ब्राइट सन इन द आफ्टरनून उसे सुबह की कोहरा हल्का सा कोहरा और दोपहर का ब्राइट सन सब देखने को मिलता है ही कैन ऑल्सो हीयर द लेक वाटर लैपिंग द शोर ऑफ इन स्प्री और उसे पानी की कल कल आवाज़ जो कि जब वो उसकी लहरें किनारे से टकराती हैं वो सब भी आती भी बहुत सुंदर लगती हैं सी हाउ डू द कलर्स मैंशन इन द पोएम सजेज दिस कंट्रास्ट कौन कौन से कलर्स आए हैं पोएम में और वो क्या कंट्रास्ट जो करते हैं इन इन इस फ्री स्पेलिंग गलत है द द आफ्टरनून स्काई टर्न्स पर्पल ड्यू टू द ब्राइटली शाइनिंग सन ऑन ठीक है पहले तो वो जो दोपहर है वो पर्पल कलर की हो जाती है क्योंकि सन बहुत जोर से चमक रहा होता है ऑन द अदर हैंड द पोइट डिस्क्राइब द सिटी रोड पेवमेंट ग्रे उसने ग्रे रंग की पथरीली या पक्की सड़कों के बारे में बात करी है वाइट पर्पल इज़ अ ब्राइट कलर पर्पल तो एक चमकीला कलर है जो कि उसने अपने इंसफ्री के लिए यूज़ करा है और उसने अपनी सिटी लाइफ के लिए ग्रे कलर यूज़ करा है जो कि एक डल कलर है एंड देर इज ब्रिंग्स आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द नेचर एंड सिटी लाइफ और यही दिखाता है वो डिफरेंस जो कि नेचर और सिटी लाइफ में होता है और यहाँ पे ख़त्म हो गया है हमारा चैप्टर आशा है आपको समझ आया होगा जल्दी से थम्सअप कर दो दोस्तों के साथ शेयर कर दो बाय बाय